हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हेयर ग्रोथ होम रेमेडी लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसा पानी बनाना सिखाएंगे जिससे कि आपके बाल बहुत तेजी से लंबे, काले, घने और मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। आप सभी हैं ज्ञान से रोचक जानकारी चैनल पर। मैं हूँ आपके दोस्त अंजू, और इस पानी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मेथी दाने का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, मेथी दाना बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। अगर हम मेथी दाने को अपने बालों पर ऐसे भी अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको पीस करके इसका पेस्ट बनाकर अपने बालों पर लगाते हैं, तभी ये हमको बहुत फायदा करता है। और अगर हम इसका ऑयल लगाते हैं तो भी ये हमको बहुत ही फायदा करता है। इससे पहले मैंने बहुत सारी मेथी दाने की वीडियो बनाई है हेयर ग्रोथ के लिए, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ तामझाम नहीं करना है। बहुत ही सरल तरीके से आप ये पानी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसको जब आप अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत तेजी से लंबे, काले, घने और मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस पानी को बनाने के लिए हम एक गिलास फिल्टर का पानी ले लेंगे। ये फिल्टर वाला पानी है, तो आपके पास अगर फिल्टर वाला पानी है तो आप फिल्टर वाला पानी ही लीजिएगा। फ्रेंड्स, और एक चम्मच मेथी दाना डाल देना है। इस तरह से आपको डालना है, और इसको अभी हम गैस पर रखते हैं, और उसके बाद अभी हम कुछ सामग्री इसमें और ऐड करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स, तभी आप इस पानी को बना पाओगे। तो चलिए हम इसको गैस पर रख देते हैं। पानी को हमने गैस पर रख दिया है फ्रेंड्स, और गैस को हमने ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम आपको रखनी है, और मेथी को अच्छे से आपको पकने देना है। कम से कम 5 से 6 मिनट आपको इस पानी को पकाना है। अभी हम इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करने वाले हैं, तो अभी मेथी का पानी हमारा तैयार हो रहा है। धीरे धीरे से ये गर्म होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेथी दाने का इस्तेमाल अभी तक अपने बालों पर नहीं किया है तो आप जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त है आपके बालों के लिए। इसको जब आप अपने बालों पर लगाते हैं तो इससे आपके झड़े हुए बाल भी वापस उगने शुरू हो जाते हैं, और आपके बालों में अगर डैंड्रफ होता है, रूखे सूखे बाल बेजान होते हैं, तो इससे आपके बालों में एक नई जान आती है, और आपके बाल मोटे होते हैं, घने भी होते हैं। फ्रेंड्स, तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल जरूर किया करिए। तो यहाँ पर हम पानी में इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता रहे हैं। अगर तेल आपको बनाना नहीं आता है मेथी दाने का, तो तेल का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। बहुत सारे तेल मैंने बनाकर दिखाए हैं आप लोगों को, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी, आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, तो देखिए मेथी हमारी पकने शुरू हो गई है। मेथी वाला पानी हमारा पकना शुरू हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे कम से कम 20 से 25 लौंग। फ्रेंड्स, लौंग बहुत अच्छी होती है हमारे बालों के लिए। इससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और हमारे जो बाल होते हैं तेजी से उगने शुरू हो जाते हैं। बालों की लेंथ तो अच्छी होती ही है, साथ में जो हमारे बाल झड़े हुए होते हैं वो भी वापस आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 से 20 लौंग डाल देनी है। तो यहाँ पर लगभग हमने 15 से 20 लौंग डाल दी है, और इस पानी को हम पकने देंगे। अभी हम इसमें और भी सामग्री ऐड करने वाले हैं। एक सामग्री अभी हम इसमें और ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तब हम इसमें वो सामग्री भी डाल देंगे, और उसके बाद ये पानी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम किस तरह से अपने बालों पर अप्लाई करेंगे हम सारी चीजें आपको बताएंगे, बस आप सभी लोग देखते जाइए वीडियो को। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, हर किसी के बाल अच्छे हो सके। फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेथी वाला पानी है और बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ताकतवर ये पानी है हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए। इससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, हमारे बाल रेशमी, सिल्की और मुलायम भी होते हैं इससे। मेथी और लौंग हमारी अच्छे से पकनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें एक चम्मच रोजमेरी लीफ डालेंगे। फ्रेंड्स, ये रोजमेरी लीफ है, बहुत अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल जब आप अपने बालों पर करते हैं तो आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने शुरू होते हैं, आपके बालों की बहुत अच्छे से केयर होती है। तो रोजमेरी आप जरूर डालिएगा एक चम्मच इसमें। ये बहुत ही परफेक्ट पानी बनकर तैयार हो रहा है आपके बालों के लिए। एक प्रकार का ये टोनर है दोस्तों। जिस तरह से हम इस टोनर को बना रहे हैं उसी तरह से आप भी इस टोनर को बनाइएगा, और इसको कैसे लगाया जाएगा हम वो भी आपको बताएंगे। पहले हमारी ये जो सामग्री है अच्छे से पक जाए। इन सामग्रियों का जितना भी पोषक तत्व है वो सारा हमारा इस पानी में आ जाएगा। बस 5 से 6 मिनट हम इस पानी को पकाएंगे, और बहुत ही परफेक्ट पानी हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। आपके पास अगर रोजमेरी
लिप नहीं है तो अगर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रोजमेरी लिप का इस्तेमाल किया है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आप इसको इस टाइम पे नहीं डालेंगे, जब आप अपने बालों पर इस पानी को अप्लाई करेंगे उस टाइम आपको एक से दो बूंद मिला लेना है। उसका तरीका भी हम आगे आपको बताएंगे बाद में। तो पहले इस पानी को देख लीजिए कि ये किस तरह से पक रहा है। मेथी दाने का पैक भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेथी दाने का पैक बनाना नहीं आता है तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगी। और मेथी का जो पेस्ट होता है उसको जब आप अपने बालों पर लगाते हैं तो आपको 15 से 20 दिनों में ही रिजल्ट दिखाई देता है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है उससे। और होम रेमेडी का आप जब भी इस्तेमाल करें तो जल्दबाजी ना करें फ्रेंड्स, ये घरेलू नुस्खे होते हैं और धीरे धीरे से अपना काम शुरू करते हैं तो इसका असर थोड़े दिन में दिखाई देता है, लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना लग सकता है आपको रिजल्ट दिखने में। तो आप जब भी होम रेमेडी का इस्तेमाल करें तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। पानी हमारा लगभग बनकर तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, पानी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। पानी को हमने नीचे उतार लिया है लेकिन अभी ये बहुत गर्म है तो अभी हम इसको पूरे तरीके से ठंडा करेंगे। तो ठंडा तो हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले हम इसको छान लेते हैं, छन्नी से हम इसको किसी दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। पूरे ही पानी को हम इस बर्तन में पलट लेंगे तो ये देख सकते हैं एक कटोरी के करीब हमारा ये पानी बनकर तैयार हुआ है। आप चाहो तो इससे ज्यादा पानी भी बनाकर तैयार कर सकते हो एक बार में। तो यहाँ पर हमने एक गिलास पानी लिया था और एक गिलास पानी से हमने इसको तैयार किया है। तो देख सकते हैं कितना जबरदस्त पानी बनकर तैयार हो गया है और अभी ये पानी हमारा गर्म है। आप इसको इस तरह से नहीं यूज करेंगे, पहले इसको आपको ठंडा करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको कि किस तरह से आपको अपने बालों पर इसे अप्लाई करना है। ये पानी हमारा ठंडा हो चुका है, आप इसको लगाने का तरीका बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको अपने बालों की जड़ों पर अप्लाई करेंगे। चाहे तो आप कॉटन की मदद से इसको आप अपने बालों की जड़ों पर लगाइए और चाहे तो आप स्प्रे बॉटल ले लीजिए और स्प्रे बॉटल में भरकर आप अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आपको बॉटल भर लेनी है, पूरी बॉटल आपको भरनी है, जितना पानी हमने बनाकर तैयार किया है वो सारा ही हम इसमें भर लेंगे। तो इस तरह आप पानी को बॉटल में भर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं अपने बालों की जड़ों पर, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो बहुत आसान होगा लगाना इसको। तो देख सकते हैं ये किस तरह से स्प्रे होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो आप स्प्रे बॉटल में भरकर भी अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगा सकते हैं, नहीं है तो आप कॉटन की मदद से भी अपने बालों की जड़ों पर खूब अच्छे से लगा लीजिए। आप इसको दिन में या रात में किसी भी टाइम पर स्प्रे कर सकते हैं, ये बिल्कुल पानी की तरह होता है फ्रेंड्स, किसी भी तरह का आपके बालों पर इसमें स्मेल नहीं आती है, ना ही तो आपके बाल चिकने होते हैं ना बाल ऑयली होते हैं। आप इसको बड़े ही आराम से लगा सकते हैं, कहीं अगर आपको जाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ना तो स्मेल आती है और ना ही इसमें किसी प्रकार का ऑयल है जो कि आपके बालों को चिपकाए। तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप इसका इस्तेमाल करिए। आप चाहो तो रोज इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दो बार तीन बार चार बार जितने बार मन चाहे आप उतने बार इसका इस्तेमाल अपने बालों की जड़ों पर कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। एक महीने अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, इस पानी से अपने बालों पर स्प्रे कर लेते हैं तो आपके बाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से लंबे काले घने और मजबूत हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।